हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा सीएससी से कैसे आप यहाँ पे इंश्योरेंस सेल कर सकते हो। इंश्योरेंस के लिए आप देख सकते हो कि बहुत सारे, आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल जाता है। लाइफ इंश्योरेंस, आपके हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल आपकी इंश्योरेंस, तो बहुत सारा ऑप्शन है। तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कर देना। तो डिजिटल सेवा पोर्टल पर जैसे आपको पता है कि इंश्योरेंस सर्विस हमें मिल जाता है, पर इंश्योरेंस सर्विस तभी मिलता है जब आपके पास रैप सर्टिफिकेट हो या तो आईएनएस की सर्टिफिकेट हो। तो आपके पास अगर आईएनएस की सर्टिफिकेट है या तो रैप की सर्टिफिकेट हो तो आपकी इंश्योरेंस सर्विसेज सारे आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिवेट है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो इंश्योरेंस पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अपने सामने बहुत से ऑप्शन ओपन होकर आता है। जैसे आप देख सकते हो, तो हेल्थ इंश्योरेंस पे आपकी देख सकते हो, तो जितने भी कंपनी है सारे यहाँ पे एक्टिवेट है। यहाँ पे किसी भी कंपनी से हम यहाँ पे इंश्योरेंस कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी सेम है। आप देख सकते हो, जितने भी कंपनी आपको यहाँ पे शो हो रहा है सारे अपना सीएससी आईडी पे यहाँ पे एक्टिवेट है। तो किसी भी कंपनी का यहाँ पे इंश्योरेंस हम किसी को भी सेल कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, या पे देख सकते हो आपकी मोटर इंश्योरेंस हो, या पे देख सकते हो थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, सारे यहाँ पे हम इंश्योरेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, हमें एक मैं यहाँ पे एक बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पर्सनल, आप देख सकते हो एक्सीडेंटल आपकी इंश्योरेंस के लिए आप क्या क्या करना है आपको। देख सकते हो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी कंपनी को यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो SBI, आपकी इफको की, बजाज की, यहाँ पे देख सकते हो HDFC, तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं एक अप्लाई करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैं SBI जनरल इंश्योरेंस के लिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो इसका जो ऑफिशियल पेज है ओपन होकर आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो VLE होगा, VLE के यहाँ पे नेम आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मोटर इंश्योरेंस पे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है हमें। देन यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए यहाँ पे देख सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस पे यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। और आपकी पर्सनल एक्सीडेंटल आपकी जो इंश्योरेंस है उसे बनाने के लिए देख सकते हो, इंडिविजुअल पर्सन एक्सीडेंटल। तो इसके लिए आप देख सकते हो, बाय नाउ पे जैसे क्लिक करो तो सबसे सस्ता आपको यहाँ पे एक्सीडेंटल आपके पर्सनल यहाँ पे देख सकते हो, एक्सीडेंटल जो आपकी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पे आपको 90 शायद 112 का यहाँ पे इंश्योरेंस आपके स्टार्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो ₹112 का। तो टोटल आपको मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे बाय नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव वैलिड पैन कार्ड नंबर। तो इनके पास अगर है तो आपको येस पे क्लिक करना है, नहीं तो नो पे। तो अपने पास पैन कार्ड नंबर है तो यहाँ पे येस करके यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर को यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को आपको टाइप कर देना है। तो इंश्योरेंस को आपको सेल करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो आपको यहाँ पे मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, सिंपली आपको जो पैन कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर को यहाँ पे टाइप करना है। तो पैन कार्ड नंबर को यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। देन यहाँ पे देख सकते हो, तो डेट ऑफ बर्थ आपकी पूछा जा रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना डेट ऑफ। तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को ऐसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सिंपली मैं वेरीफाई बटन पे मैं क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे अपना जो वेरीफाई होकर आ जाएगा, आपके ऑटोमेटिक नेम शो हो जाएगा, पूरा डिटेल्स आपके यहाँ पे आ जाएगा। देख सकते हो आपके यहाँ पे नेम आपके ऑटोमेटिक पैन कार्ड के थ्रू यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे आपकी यहाँ पे देख सकते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो हो गया, यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी, देन यहाँ पे देख सकते हो आपकी पिन कोड, आपकी एरिया आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे देख सकते हो, आपकी जो सिलेक्ट आपकी सम आपकी जो कितने तक की आपकी बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आपकी 2 लाख की, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो आपकी एक्सीडेंटल आपकी इंश्योरेंस है आपकी सम यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आपके यहाँ पे आपकी जो अमाउंट होगा, अमाउंट भी आपको शो कर देता है। जैसे मैंने 3 लाख की यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो अपने सामने यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन आपको पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी क्या काम करते हो, तो आपके हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको कंडीशन पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे मैं जैसे देख सकते हो, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे जो अमाउंट है, अमाउंट आपके सामने यहाँ पे शो के आ जाएगा। आपको सिंपली इस अमाउंट को आपको पे कर देना है। तो पे करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा तो अपना पूरा डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। देख सकते हो आपकी यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपके आ जाएगा। आपकी KYC के लिए आपको बोला जा रहा है, तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स को आपको एक बार चेक कर लेना है। देन यहाँ पे देख सकते हो, आपके प्लॉट नंबर, आपके स्टेट नेम, आपको पूरा एड्रेस को यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे मैं अपना पूरा यहाँ पे एड्रेस को मैं टाइप कर देता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने एड्रेस टाइप कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हो अपना जो मैरिज स्टेटस, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपके सब पूरा डिटेल्स आपको आ जाएगा। नॉमिनी आपको यहाँ पे रखना है, तो नॉमिनी डिटेल्स आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दिया, एड्रेस फिल कर दिया, यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। यहाँ पे पूछे जा रहे हैं जा रहे आपके आर यू डू यू हैव आपकी ई आई डी अकाउंट हो, तो आपको यहाँ पे सिंपली देख सकते हो मैंने नो कर दिया। अगर आपके पास येस है तो आपको येस यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपना जो ई आई डी आपकी जो नंबर है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। हमारे पास नो है तो नो कर देते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू वॉन्ट टू क्रिएट, आपके आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक रखेंगे। तो सिंपली यहाँ पे पॉजिटिव बटन पर भी क्लिक कर दूंगा। पॉजिटिव बटन पे आपके क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आपके टोटल यहाँ पे अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने टोटल आपकी सम इंश्योरेंस आपकी इतना है, आपकी नेट प्रीमियम आपके देख सकते हो इतना है, देन आपकी एप्लीकेबल टैक्स आपकी यहाँ पे इतना है, ग्रोस अमाउंट आपकी टोटल यहाँ पे शो हो रहा है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो मेंबर डिटेल्स पर जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे पूरा डिटेल्स आपकी यहाँ पे शो हो जाएगा। देन यहाँ पे देख सकते हो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करो तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आपको यहाँ पे शो हो जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्ट आपकी जो गेटवे पेमेंट गेटवे, तो आपको सी एस सी के यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपकी मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। देन आपकी सी एस सी आई डी पे यहाँ पे देख सकते हो रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड को आपको टाइप कर देना है। देन यहाँ पे देख सकते हो मैं वैलिडेट कर दूंगा। देन अपना जो पिन है तो देख सकते हो आप पिन मांगा जा रहा है, आपकी जो वॉलेट पिन है तो यहाँ पे मैं वॉलेट पिन को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। देन यहाँ पे देख सकते हो वैलिडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अपना जो कमीशन है, आप देख सकते हो आपकी 122 के यहाँ पे पेमेंट दिखा रहे हैं, अपना जो टोटल अमाउंट था आपकी 177 का था। तो आपकी यहाँ पे कमीशन देख सकते हो यहाँ पे आपकी सीधे सीधे आपकी 555 के यहाँ पे कमीशन आपको मिल रहा है, 55 रुपये की कमीशन आपको मिल रहा है। तो सिंपली यहाँ पे पे बटन पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो इंश्योरेंस है, यहाँ पे देख सकते हो इंश्योरेंस बन चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो थैंक्स फॉर आपकी चूचिंग आपकी यहाँ पे एसबीआई इंश्योरेंस। तो यहाँ पे देख सकते हो थैंक यू फॉर चूजिंग आपकी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, आपकी पॉलिसी नंबर आपकी शो हो जाएगा। आपकी पॉलिसी को यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे पॉलिसी आपकी यहाँ पे डाउनलोड करके आप, यहाँ पे मैं कॉपी को एक बार कॉपी डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो अपना जो पॉलिसी है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, पूरा डिटेल्स आपके यहाँ पे आ जाएगा। आपकी देख सकते हो डेट, आपकी नॉमिनी आप डिटेल्स, आपके एड्रेस, आपके नेम जिनके नाम पे इंश्योरेंस होगा, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सिंपली अपने कस्टमर को आप यहाँ से प्रिंट आउट दे सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट आउट पर आप क्लिक करोगे देन अपना प्रिंट आउट यहाँ से आप ले सकते हो। तो देख सकते हो बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पे अपना जो एक्सीडेंटल आपकी यहाँ पे इंश्योरेंस बनाना, और कमीशन देख सकते हो बहुत अच्छा खासा आपको यहाँ पे कमीशन मिल जाता है आपकी 177 के। आपकी जो पॉलिसी है पॉलिसी में ही आपको 55 का यहाँ पे आपको कमीशन मिल रहा है, सीधे सीधे आपको 55 रुपये की आपको कमीशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो देख सकते हो आपकी इंश्योरेंस पे बहुत ही अच्छा खासा आपको कमीशन मिलता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।